हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं सबके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नेट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले कुछ वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लैकेस्ट नेट के टैग के जरिए या फिर आई कार्ड में दिए गए ब्लैकेस्ट नेट के प्लेलिस्ट के जरिए भी आप इससे पहले के और इसके बाद के आने वाले वीडियोज देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे यूनिक और अनोखे कंटेंट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एक जगह पर जहाँ पर एक आवाज़ हमसे कह रही थी, मैं डेथ के साथ वॉक करती हूँ, लेकिन मैं डेथ को फॉलो नहीं करती, ना ही लीड करती हूँ, लेकिन फिर भी डेथ मेरे साइड पर है। ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन वॉरियर के लिए ये आम बात है। मैं ये सभी के लिए कहना चाहती हूँ जो कि जिंदा है, क्योंकि डेथ ही नेचुरल रिजल्ट है किसी भी लाइफ का। और तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वंडर वुमन थी, और वो वहाँ पर एक लेडी पुलिस की लाश देखती है। और आगे वो कहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नेचुरल नहीं है, आसमान में ब्लैक लेयर होती है और नाइट टाइम से पहले ही फॉल हो चुकी है, और यहाँ पर डेथ नहीं लेकिन मर्डर जरूर है। और तब वो देखती है कि वहाँ पर और भी ऐसे ही लाशें पड़ी हुई थी, और आगे वो कहती है कि मैं डेथ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मैं उससे बहुत कुछ सीख भी चुकी हूँ, और मैंने उसी के लिए बहुत सारे लोग गवा भी दिए हैं, बहुत सारे लोग। वो आगे कहती है, मैं एक अमेजन हूँ और मेरे पास इसके सिवा कोई और चॉइस भी नहीं है, लेकिन मैं अमेजन होने के नाते मैं मर्डर से बहुत चिढ़ती हूँ और ये एक मॉन्स्टरस एक्ट है। और वो आगे देखती है कि वहाँ पर आगे भी ऐसे बहुत सारे क्लूज और बहुत सारी बॉडीज पड़ी हुई थी, जहाँ पर वो कहती है, लेकिन ये मॉन्स्टर जो ये कर रहा है उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैक्सवेल लॉर्ड। और वो आगे कहती है कि मैं पहले भी उससे निपट चुकी हूँ और मुझे दोबारा ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं डेथ के थ्रू जी चुकी हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेरॉन नाम के डीमन ने मेरी सोल को अजल्ट कर लिया था और वो उसे जलाता था। फाइनल डेथ के पहले मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ कि ये जिंदगी कितनी हार्ड और कितनी पेनफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी है। और वो वहाँ पर उन आर्मी सोल्जर्स के पास जाते हुए कह रही थी, ये ब्लैक लैंटर्न वो नहीं है जो दिखते है, यहाँ पर रिंग ने बॉडी को वियर कर रखा है, न कि बॉडी ने रिंग को। हम जो देखते हैं वो पर्सन नहीं बल्कि वो उसका फॉर्म, उसकी शेप और उसकी मेमोरीज है उसके पावर्स के साथ। और मैक्सवेल की पावर है किसी को भी अपना पपेट बनाकर अपने इशारों पर नचाना, और वो उन्हें वही छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। और जहाँ पर वो कहती है, ब्लैक लैंटर्न जहाँ तक मुझे पता है वो इमोशंस पर फीड करते हैं, और खाने के पहले वो हमारे इमोशन को एक हाईएस्ट पिच पर ले जाते हैं। और मुझे पता है कि मैक्सवेल को मुझसे क्या चाहिए, वो मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है। वो एक ग्रेवयार्ड के ऊपर से उड़ते हुए कह रही थी, यहाँ पर वो सोल्जर्स दफ्न है जिन्होंने किसी न किसी वजह से अपनी जान दी, और यहाँ पर वही लोग दफ्न है जो कि ऑनर और ग्लोरी के काबिल है। वहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सवेल अननेम्ड एक ग्रेव पर बैठा हुआ था, जहाँ पर लिखा हुआ था एक अमेरिकन सोल्जर, लेकिन उस पर उसका नाम नहीं लिखा था। और वहाँ पर आते ही वो एंगर के बजाय लव से भर जाती है, और वो आगे कहती है, तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते। और आगे आते हुए वो मैक्सवेल का सर अपनी कुल्हाड़ी से काट देती है। आगे मैक्स कहता है, ना हेलो, ना कैसे हो, ना और कुछ, यहाँ तक कि तुमने माफी भी नहीं मांगी मेरी गर्दन तोड़ने के लिए। तब उसकी गर्दन पर पैर रखते हुए वंडर वुमन कहती है, एक बात कहना तुम्हें भूल ही गई, गुड बाय मैक्स। और तभी मैक्स कहता है, भले ही मेरा सिर्फ यस कह रहा हो, लेकिन मेरी बॉडी इसके लिए मना कर रही है। और तब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी उन दो सोल्जर पर गन ताने हुई थी जो वहाँ पर खड़े थे और उसके कंट्रोल में थे। जैसे जैसे वंडर वुमन उसे बचा लेती है और मैक्सवेल के हाथ से गन छीन कर वो उसे अपने कुल्हाड़ी से काटते हुए कहती है, अब बहुत हो चुका, अब तुम इन्हें अपने कंट्रोल से रिलीज करोगे वरना तुम्हारी हालत बहुत बुरी होने वाली है। और तभी वो उन्हें अपने कंट्रोल से रिलीज करते हुए कहता है, तुम ये जो अपना लव सारे लिविंग थिंग्स के लिए जाया करती हो वो किसी काम का नहीं। इस पर वो कहती है, लाइफ सिर्फ 7 सिंपल कलर्स के अलावा और भी कुछ है। और वो उन दोनों को एक सेफ जगह पर खड़ा करके वहाँ पर चैन की सांस ले ही रही थी कि तभी उसे फ्लैश करते हुए ब्लैक रिंग्स का नॉइज सुनाई देता है। और तब वो देखती है कि हजारों की तादाद में वहाँ पर ब्लैक रिंग्स आ चुकी थी। यहाँ पर मैक्स रिजनरेट होते हुए कहता है, कंपनी आ रही है, मुझे लगता है कि तुमने बहुत सारा खाना लाया होगा खाने के लिए। और ये देखते ही वो उन दो सोल्जर्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से जाने के बजाय सुपीरियर फोर्स को लेने की बात करते हैं। और इतना सुनते ही वो मैक्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तब तक एक ब्लैक रिंग उस अननेम्ड ग्रेव में दाखिल हो चुकी थी। यहाँ पर वो जा ही रही थी कि तभी उस पर भी ब्लैक रिंग्स का अटैक होता है, और वो जिस ग्रेवयार्ड में गिरती है उस ग्रेवयार्ड में सारे सोल्जर्स फिर से राइज होने लगते हैं।
और राइज होने के बाद वो सबसे पहले वंडर वुमन को घेर लेते हैं, जिस पर उसका इमोशनल स्पेक्ट्रम देखते हुए मैक्स कहता है, कोई एंगर कोई फियर नहीं, तुम सिर्फ रिस्पेक्ट कर रही हो इन डेड्स की। इस पर वो कहती है कि सोल्जर से इन्होंने अपनी जिंदगी दी। इस पर वो आगे कहता है, उन्होंने जिंदगी किसी के लिए नहीं दी, खुद के लिए भी नहीं, वो सिर्फ एम्प्टीनेस के लिए जिए और एम्प्टीनेस के लिए ही मर गए। भले ही तुम में कोई फियर या फिर कोई और फीलिंग ना हो, लेकिन मेरा काम तुम्हारे लव से भी चल जाएगा, तो मुझे अपना लव दो। इस पर उसे मारते हुए कहती है, तुम इसके काबिल भी नहीं हो, और उसे मारकर वो जाती है उन दो गार्ड्स की तरफ, जहाँ पर एक ब्लैक लैंटर्न राइज होकर उन दोनों से अपना नाम पूछ रहा था, और वो कह रहा था, मेरा नाम है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन तभी वंडर वुमन आकर उसे मारती है और उन दोनों गार्ड्स को सेव करती है। आगे वो कह रही थी, हमें उन रिंग्स को लाइट के जरिए डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन तभी बैरी एलन यानी कि फ्लैश का मैसेज आता है, जो कहता है, सारी एबल बॉडीज लेकर कोसिटी की तरफ बढ़ो। इस पर वो कहती है, समझ गई, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैक्स कहता है, इतनी जल्दी जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अभी तो डार्कनेस अभी भी बाकी है। इस पर वो अपना लासो निकालते हुए कहती है कि मैं कभी भी डार्कनेस से नहीं डरी। इस पर मैक्स कहता है, तो हम वो लाइट बंद कर देंगे जो डार्कनेस को कवर करने वाली है। लेकिन वो कहती है, तुम कभी समझ ही नहीं पाए मैक्स, लव ही लाइट है। और वो अपने लासो से एक बाउंड्री बनाती है उन तीनों के इर्द गिर्द, और जो भी उस लासो को टच करता है वो वहीं पर चलकर राख हो जाता है। और वो वहां से जाते हुए दोनों ऑफिसर से कहती है कि सेफ रहना, क्योंकि वो फिर से हमला कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक लैंटर्न फिर से रिजरेक्ट हो रहा था, और वो कह रहा था, जाओ क्योंकि हम फिर जरूर मिलेंगे। इसके साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।